हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा दिए गए हैलोजन डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस लेक्चर में हमारी कोशिश ये रहेगी अगर इससे अलग भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी बोर्ड में इजिली सॉल्व कर सकें स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और इस लेक्चर के लिए आप या तो PDF ओपन कर लीजिएगा या तो जो दिया गया क्वेश्चंस है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा स्टूडेंट। MCQ का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है स्टूडेंट, कह रहा द टाइप्स ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव समझ लेते हैं, ऐसे कंपाउंड या ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव जिसके पास एक ही सिंगल हैलोजन एटम हो उसे हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। अगर एक से ज्यादा हो तो पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव कहलाता है, जिसमें हमने पढ़ा है डायहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव, आगे यूज होने वाला है, घबराइए नहीं। फिर आगे कह रहा है ये जो हैलोजन आइटम है वह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब आगे की जो बात है उसके लिए हमें केमिस्ट्री के 4 ग्रुप होते हैं उनको समझना होगा तो हमको समझ में आएगा इसमें से कौन सा आंसर सही है। केमिस्ट्री में जो 4 ग्रुप मेनली होते हैं स्टूडेंट, पहला ग्रुप होता है अल्काइल। अल्काइल कौन? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल कैसे बनता है? जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो अल्काइल बनता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, क्या लिया? मिथाइल क्लोराइड, या हमने ले लिया CH3, CH2, Cl, इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। यह दोनों कौन से हैं? एल्काइल हैलाइड हैं, जिनको हम कॉमनली RX रिबन करते हैं। यह पहला टाइप हो गया, यह अल्काइल वाले हैं। दूसरा विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। अगर यहां X लगा दोगे तो विनाइल हैलाइड हो जाएगा, Br लगा दोगे तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तीसरा जो ग्रुप होता है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं अलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। और चौथा जो होता है ग्रुप उसे हम अराइल कहते हैं। और अराइल कैसे बनता है? जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम अराइल कहते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? C6H6, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या बनता है? C6H5। यह एक ग्रुप है, इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, या हाइड्रोजन या OH या NH2, कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा क्योंकि ग्रुप कभी फ्री नहीं रह सकते हैं। तो यह जो बना इसका नाम क्या है स्टूडेंट? अराइल। और इसका खुद का नाम, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो उससे एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये जो ग्रुप बनता है अराइल होता है। तो इसका खुद का नाम फिनाइल है। जैसे अल्केन से निकाले थे अल्काइल, लेकिन अल्काइल में पहला मेंबर कौन है? मिथाइल। ऐसे इसका खुद का नाम क्या है? फिनाइल। याद रखिएगा, यह मत कहिएगा बेंजाइल है, बेंजाइल अलग होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं बेंजाइल क्या होता है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह कार्बन सबके साथ, किस जो उनसे जुड़े हुए कार्बन है या कोई दूसरे आटम है उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहां देखो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो किससे? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड ही बना सकता हाइड्रोजन, यह भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यह वाला कार्बन, यह भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है क्या? यस, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और यह भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, यह डबल बॉन्ड दोनों के लिए है ना, तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। यहां देखते हैं स्टूडेंट, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो यह sp3 होगा, और यह दोनों sp2 और sp2 होंगे। चौथा एग्जांपल हमने दिया नहीं, चलिए देख लेते हैं चौथे एग्जांपल को। देखो प्लीज ध्यान रखना, इसको बेंजाइल क्लोराइड मत बोलना यार, यह क्लोरोबेंजीन है, फिनाइल क्लोराइड भी कहा जा सकता है, ठीक है। यहां पर देखो जो कार्बन है यह भी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है,
ये डबल बॉन्ड यहां भी तो है इस कार्बन के साथ। बेंजीन में आपने पढ़ा होगा हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक साइड से डबल बॉन्ड दूसरे साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो यह भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं स्टूडेंट, और ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखो अगर हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 Cl, अब मैं इनका नाम रख दूं A B और C, मैं कहूं A B C कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ए बी सी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी ही नहीं तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो सबसे पहले हम किसकी देखेंगे सी की, सी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, डबल बॉन्ड से एक साइड जुड़ा है एक साइड सिंगल बॉन्ड से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी sp2। ए की हाइब्रिडाइजेशन देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है ए बी sp2 होगा, होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बी की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं sp होगी, क्योंकि वह दो साइड डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp। याद रखना ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने कहा इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस नहीं दिए हैं उन पर भी बात करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कह रहा कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी यार ऐसे कार्बन से जुड़ा हो डबल बॉन्ड भी हो वहां पे, तो भाई डबल बॉन्ड वाले तो ये दो हैं, देखो ये विनाइल और अलाइल यही दो हैं, लेकिन कार्बन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो, तो यार यही हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज तो यही है ना, यानी आंसर क्या होगा अलाइल, अलाइल क्लोराइड या अलाइल हैलाइड इसका आंसर होगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहां पर जिससे कार्बन जुड़ा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वह sp3 हाइब्रिडाइज की बात कर रहा है और डबल बॉन्ड की भी बात कर रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज और डबल बॉन्ड दोनों किसके किस में पॉसिबल है स्टूडेंट, यह आंसर करिए यह किस में पॉसिबल है, विनाइल या अलाइल, अलाइलिक हैलाइड में पॉसिबल है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसको जानने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, हमने पढ़ा था CH3H, ये मीथेन ही लिखा हूं CH4 ही है, अगर इसको X बॉन्ड X से रिएक्ट करा दें यानी X2, तो यह क्या हो जाएगा HX फॉर्म कर लेगा और यह CH3X हो जाएगा और HX हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हैलोजन डाल के CH3H यानी CH4 ही रहेगा, ये Cl बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट यह रिएक्शन होगा, तो H और Cl क्या फॉर्म कर लेंगे HCl और हमारा फॉर्म हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। यह तो एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन है ना, और हमसे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, लेकिन इसके बिना हम इसको समझ नहीं सकते। देखो स्टूडेंट यह बेंजीन है, बेंजीन है और इसके हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है, बेंजीन के हाइड्रोजन को हैलोजनेशन करा के, यह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था हैलोजनेशन करा के इजिली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी इजिली उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो अगर हम यहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल डालते हैं क्लोरीनेशन कराना चाहते हैं, तो यह क्लोरीनेशन एनहाइड्रस लिविस एसिड, लिविस एसिड कौन हो सकता है AlCl3 FeCl3 ये लिविस एसिड है, इनके प्रेजेंटी में होगा, यह H और Cl क्या फॉर्म करेगा HCl और यहां पर हमारा क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ब्रोमिनेशन भी ऐसे करा सकते हैं बट दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है, यही डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपको यह लिखा हुआ है स्टूडेंट।
देखो यहां पर जो बॉन्ड फ्यूजन होगा CCl के बीच का, ClCl के बीच का जो बॉन्ड फ्यूजन होगा यह होमोलिटिक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यह ले लेगा और यह ले लेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो Cl रेडिकल Cl बनेगा। और यहां अगर हम बॉन्ड फ्यूजन होमोलिटिक कराते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके प्रेजेंटी में हमने करा है? AlCl3 या FeCl3 लीविस एसिड के प्रेजेंटी में। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। इस रिएक्शन को अगर डिटेल में आपको समझना है तो मेरा लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हो। आगे देखिए, अब हमको पता है कि हाइलोजनेशन में जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? F2, फिर Cl2, Br2 और I2। यह क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइलोजनेशन। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, अरेंज करने के लिए बोल दे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, अगर यहां हम क्लोरीनेशन करा दें, आयडोनेशन करा दे, फ्लोरिनेशन की बात कह रहा हूं, आयडोनेशन करा दे, तो आयडोनेशन हमको पता है रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। वह लीविस एसिड के प्रेजेंटी में नहीं होगा। किसके प्रेजेंटी में नहीं होगा? लीविस एसिड के प्रेजेंटी में नहीं होगा, तो किसके प्रेजेंटी में होगा? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंटी में होगा। किसके प्रेजेंटी में? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड हो सकता, या एक और एग्जाम्पल है HIO4, यह भी हो सकता है स्टूडेंट। तो देखो आपके आंसर में तो यह दिया गया है, लेकिन अगर बोर्ड ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि बच्चा तो पढ़ लिया है, तो अगर ये डाल दिया तो ध्यान रखना HIO4 ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयडोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारा क्या फॉर्म होगा? आइडो बेंजीन। प्लस HI। और एक क्वेश्चन और पूछता है, यह HI कैसा एक्ट करता है? तो याद रखना, यह HI एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन आयडोनेशन HI कैसा एक्ट करता है? HI एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और यह कैसे एक्ट करते हैं? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए यहां पर आंसर हमारा फर्स्ट सही है, HNO3। नेक्स्ट है, फॉर आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। तो सबसे पहले हमें बेंजीन का पोजीशन जानना होगा कि बेंजीन में कौन कौन से पोजीशन होते हैं, और उसके बाद ये पॉइंट्स को हम समझेंगे। स्टूडेंट ये बेंजीन है, अभी तो साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। जब तक रिंग नहीं बने या बॉन्ड नहीं लगे बेंजीन मत बोलना। यह बेंजीन, अगर यहां कोई फंक्शनल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया? फंक्शनल ग्रुप। वैसे मैं यहां एक्स लिखता लेकिन आप यहां हैलोजन समझ लेते। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि पूरे साल हमने बहुत मेहनत किया है, इसलिए जानना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप एटम हो सकता, क्या हो सकता? एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता, ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट? या तो एटम होते हैं या एटम के ग्रुप होते हैं जो सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को समझ में आया। एटम कौन हो सकता? बॉन्ड Cl, Br, I, ये कौन से एटॉमिक फंक्शनल ग्रुप है? OH। देखो इसमें दो एटम आ गए ना, तो ये ग्रुप ऑफ एटम, NH2, NO2, COH, ये सब कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ग्रुप ऑफ एटम वाले। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, इस पोजीशन को मेटा और इस पोजीशन को मेटा कहा जाता है, और इस पोजीशन को हम पैरा कहते हैं। लेकिन यह पोजीशन फिक्स नहीं होते, यह पोजीशन चेंज होते रहते हैं, क्योंकि रूल होता है एसिड
दूसरा लिखा जाता है फिनॉल, बेस और न्यूट्रल, यह कॉन्सेप्ट है। चलिए समझ लेते हैं यह क्या कह रहा है, एसिड बेस फिनॉल, एसिड फिनॉल बेस न्यूट्रल क्या है ये। देखो अगर यहां कोई हैलोजन अटैच्ड हो तो यह पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो, यह पोजीशन क्या होगा, मेटा, और यह पोजीशन होगा पैरा। लेकिन अगर इस पोजीशन पर हम COOH कोई एसिड डाल दें, देखो अब मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्थोमेटा पैरा देखा जाएगा, तो अब ऑर्थोमेटा पैरा चेंज, अब ये दोनों पोजीशन क्या हो जाएंगे, ऑर्थो, और यह पोजीशन क्या हो जाएगा, मेटा, और यह पोजीशन क्या हो जाएगा, पैरा। मैंने कहा ऑर्थोमेटा पैरा चेंज होते रहते हैं, एसिड फिनॉल बेस और न्यूट्रल, सीएल एक न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप है, हमने एसिड डाल दिया, न्यूट्रल से ऊपर का कोई भी डालेंगे चेंज हो जाएगा। जैसे और एक चीज और होता है, मोलिकुलर वेट पर भी डिपेंड करता है, दोनों न्यूट्रल हो तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा वो उससे हम प्रेफरेंस करेंगे काउंटिंग में। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोमेरिक डाय हैलोबेंजीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अब देखो यहां पर डाय हैलोबेंजीन्स ले लेते हैं, डाय क्लोरो, डाय ब्रोमो, डाय आयरो, कुछ भी ले लो। देखो एक ये हो सकता है डाय क्लोरो या डाय ब्रोमो ले ले, दूसरा यह 1,2 डाय क्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाय क्लोरोबेंजीन है, यह 1,3 है, और तीसरा यह 1,4 है। ये तीन हमने आइसोमर बना दिया डायक्लोरोबेंजीन के। तो कह रहा किसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, यहां एक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट यह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, देखो जितना ज्यादा सिमेट्री देखने को मिलेगा उतना क्लोजली पैक होंगे उसके मॉलिक्यूल। सॉलिड स्टेट में चले जाओ, क्लोजली पैक मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक होगा, जैसा आपने पढ़ा होगा बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक सबसे ज्यादा क्लोजली पैक कहां होते हैं, एफसीसी स्ट्रक्चर में। अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एफसीसी है तो वह ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा। तो इसमें क्लोजली पैक कौन है, ये वाला, सिमेट्रिकली होने की वजह से एक क्लोजली पैक होते हैं, यानी जो पैरा पोजिशन वाला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका, पैरा आइसोमर का हाइयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अलग लगा क्योंकि जो यहां पर आंसर दिया है 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या दिखाए, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए। तो थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी पर हम नजर डाल लेते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना दिया है, अपलोडेड है, अगर आपको डिटेल में समझना होगा तो वहां पर अपलोडेड है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे मॉलिक्यूल दिखाएंगे जिनके पास एटलीस्ट एक कायरल सेंटर हो, यानी असिमेट्रिक कार्बन हो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, हर एक वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, मतलब चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, तो उस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। जैसे यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां OH है, यहां CL है, यहां CH3 है, यहां C2H5 है, यहां H ले लेते हैं, चलेगा ठीक है। अब बताओ चारों वैलेंसीज पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन को कहेंगे काइरल कार्बन, स्टार बना देंगे काइरल कार्बन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास काइरल सेंटर हो वह प्लेन पोलराइज लाइट की प्लेन को, जो पोलराइज लाइट है, कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। अब पोलराइज लाइट क्या होते हैं, जिनके वाइब्रेशन को सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उन्हें हम कहते हैं पोलराइज लाइट। अब ऐसे कंपाउंड से अगर इस लाइट को हम पास करते हैं
तो ये क्या करे, यह कंपाउंड या मॉलिक्यूल इसकी प्लेन को रोटेट कर दे। रोटेशन दो तरह से होगा, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और उसी प्लेन के रोटेशन को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर से सुन लेते हैं, अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे कंपाउंड से पास करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव है, क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, तब होगा जब उसके पास काइरल सेंटर होगा। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वह लाइट की प्लेन को रोटेट कर देगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे हम लेवो रोटेटरी कहते हैं। इसके लिए मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर होना जरूरी है, इसकी वजह से दिया गया है 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक 3D स्ट्रक्चर दिखाने वाला 3D स्ट्रक्चर दिखाने वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए। तो यहां पर इस आंसर पर मैं 100% सहमत नहीं हूं स्टूडेंट। यहां अकाइरल मॉलिक्यूल, एक सी पॉइंट में देखिए, अकाइरल मॉलिक्यूल असिमेट्रिक हो, देखो यहां पर क्या था, असिमेट्रिक था तो इसे कहते हैं काइरल, और जब चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप ना जुड़े हो तो अकाइरल कहते हैं उसको। और सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, ये भी समझ लेते हैं। देखो अगर काइरल सेंटर है तो वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, उसे इनांसियोमर्स कहते हैं, और अगर सुपर इंपोजिबल है तो वह है काइरल सेंटर कंसिस्ट नहीं कर रहा है और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। हमें प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है तो सबसे पहले हमें प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर देखना होगा। देखो प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN होता है, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप को हम साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल। देखो इसमें कार्बन है ना, जैसे Cl में तो कार्बन है नहीं, Br में कार्बन है नहीं, तो काउंटिंग वहां से नहीं करते, लेकिन इसमें तो है, तो 1, 2, 3 इसका नाम हो गया। तीन को हम कहेंगे प्रोपा, और CN साइनाइड या नाइट्राइल कहलाता है, तो प्रोपेन नाइट्राइल। वैसे इसका नाम होता है साइनोइथेन, अगर इसको साइनो बोलेंगे तो खाली दो ही को काउंट करेंगे, साइनोइथेन। जब कभी भी आप अल्काइल हैलाइड को, इसको अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हो, वो भी अल्कोहलिक होना चाहिए, हीट करते हो तो ये क्या होगा, के एक्स बना लेगा और बन जाएगा आर सी एन प्लस के एक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास इथाइल क्लोराइड हो, ले लिया इथाइल क्लोराइड, KCN पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, अल्कोहलिक समझ में आया ना, ये KCN अल्कोहल में डिसॉल्व हुआ है, क्या फॉर्म करेगा KCl, और यह फॉर्म हो जाएगा CH3CH2Cl जिसका नाम प्रोपाइल नाइट्राइल है। तो क्या क्वेश्चन दिया था हमें, प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल है, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, साइनोइथेन, और क्या फॉर्म करेगा KCl। इससे मिलता जुलता एक रिएक्शन और है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम अल्काइल हैलाइड को RX को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करा दें, याद रखना, अब कहोगे सर सेम तो होगा, AgX को रिप्लेस कर देगा, CN वहां जाके जुड़ जाए, RCN हो जाएगा, नो, RNC होता है, AgX तो बनता है, वो तो बात आप लोग की सही है, CH3Cl प्लस AgCN, यहां CH3NC बनता है प्लस AgCl बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये। दरअसल स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा CN एक लिगेंड है, अब लिगेंड कौन से चैप्टर में है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, लिगेंड वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो CN एक लिगेंड है, लिगेंड क्यों है, क्योंकि यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो अगर बात करें CN पर माइनस होता है तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए, माइनस N पर है, यह माइनस C पर है, और जब किसी चीज पे माइनस हो तो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी C पर माइनस है और N के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अब एक पेयर एन भी डोनेट कर सकता है और एक पेयर सी भी डोनेट कर सकता है, लेकिन करेंगे एक ही, लेकिन दोनों कर सकते हैं, तो कोई भी एक पेयर डोनेट करे उस साइड से मतलब अटैचमेंट पॉसिबल है। तो अगर दो साइड से अटैचमेंट पॉसिबल हो तो उस लिगेंड्स को कहते हैं एम्बीडेंट लिगेंड, और यह एक मोनोडेंट लिगेंड होता है, यानी एक ही पेयर डोनेट करेगा। तो याद रखिएगा, एम्बीडेंट लिगेंड होने की वजह से यह रिएक्शन चेंज हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे मैं परेशान बहुत कर रहा हूं, यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान करने वाला ही है। आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन या केमिकल इक्विलिब्रिया, तब उतना ज्यादा परेशान नहीं करूंगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में हमको पता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, यानी यह कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं, SN1 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी, प्राइमरी। हमको पता है, वैसे तो इस SN1 हम डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जब मैं 4 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और ऑलरेडी SN1 और SN2 के लेक्चर अपलोडेड है, आप प्लीज SN1 और SN2 को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि SN1 और SN2 यही नहीं है, अल्कोहल में भी है। कहोगे अल्कोहल में कहां, ईथर में के प्रिपरेशन में यार हम वहां यूज करने वाले हैं, तो प्लीज SN1 और SN2 आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है, यहां मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। SN1 की बात करें तो यह सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर होता है, और SN2 की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकेंड ऑर्डर होता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर, इसे यूनिमोलिकुलर कहते हैं, इसे बायोमोलिकुलर कहते हैं स्टूडेंट। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है यह टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यानी इजिली SN1 रिएक्शन में कौन जाएगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये गलती से मत कहना प्राइमरी SN1 में नहीं जाता है, ऐसा अगर आप सोचते हो तो आपकी गलतफहमी है, प्राइमरी भी SN1 में जाता है लेकिन इजिली नहीं जाता है। और SN2 में ऑर्डर रिवर्स कर दो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब जो स्ट्रक्चर दिया है जरा हम बनाते हैं और चेक करते हैं कौन सा इसमें से प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। 1-chloropropyl CH3 CH2 CH2 Cl, यह 1-chloropropyl है। बताओ हलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन वह है सिंगल अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है ना, ये पूरा एक इथाइल है, तो यह प्राइमरी है। नहीं पहचान सकते, यहां पर 2 हाइड्रोजन है यार, हलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी होगा, एक है तो सेकेंडरी है, एक भी नहीं है टर्शरी है, जुगाड़ लगाओ, इंडिया में जुगाड़ ही चलता है, तो यह प्राइमरी है। चलिए दूसरा देखते हैं, कह रहा है 2-chloropropyl 2-chloropropyl CH3 CH Cl CH3, यह 2-chloropropane है सेकेंड वाला। अब बताओ हलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यहां जुड़ा है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक, यानी यह सेकेंडरी है। वैसे 2 अल्काइल चेन की भी बात कर ले, 2 अल्काइल चेन है। तीसरा दिया है 2-chloro-2-methylpropane 2-chloro-2-methylpropane, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, यह हमारा 1-2-3 2-chloro-2-methyl, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा, क्लोरो सी से आता है, मिथाइल एम से, इसीलिए पहले क्लोरो बोल रहा हूं, 2-chloro-2-methylpropane है। IUPAC में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सॉरी कॉमन नेम में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं स्टूडेंट। चलिए फोर्थ देखते हैं, क्लोरोइथेन क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl। अब बताओ टर्शरी कौन सा दिख रहा है, देखो हलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शरी यही है, सबसे फास्ट यही जाएगा, कौन, 2-chloro-2-methylpropane। तो होप आपको यह आंसर समझ में आया होगा। चलिए एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, यार ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दिया है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो हमको पहले से पता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, बड़े काम का रिएजेंट है, विक्टर ग्रिग्नॉर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले यह जान लो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन अगली बार कहीं ऐसा पूछ लिया कि ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है।
अगर कार्बन डायरेक्टली किसी मेटल के साथ बॉन्डेड हो तो उस कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। जैसे कार्बन डायरेक्टली लिथियम से बॉन्डेड है, अब ये मत कहना ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, नहीं भाई ये तीनों हाइड्रोजन ऐसे हैं, लिथियम से बॉन्डेड है, ये ऑर्गेनो लिथियम है। ऐसे ऑर्गेनो मेटेलिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन विक्टर गिरिग्नॉट ने ऑर्गेनो मैग्नीशियम बताया था। मैग्नीशियम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किससे, कार्बन से, और एक साइड मैग्नीशियम बायवेलेंट होता है तो दूसरे साइड किससे, हैलोजन से बॉन्डेड होता है। तो ये जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, यह अगर अमोनिया से रिएक्ट करे, किससे रिएक्ट करे, अमोनिया NH3 पता है ना अमोनिया, तो हमेशा अल्केन बनाता है क्योंकि 11th ग्रेड में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन किया जाता है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट कैसा रिएजेंट है जिससे हर एक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर दिया क्या है हमारे पास, CH3 CH2 MgBr और हमारे पास क्या है अमोनिया HNH2 लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। और यह रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर के विजंती में होगा, किसकी विजंती में, ड्राई ईथर। अब देखो यहां C और Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, Mg के पास 2 ही हैं बिचारे के पास, अभी तो बॉन्डिंग में चले गए, यानी कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो CH3 CH2 ये माइनस हो जाएगा और Mg क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस। यहां पर Mg लिख देते हैं, Mg प्लस है और उसके साथ Br जुड़ा है, Mg प्लस है। यहां बॉन्ड ब्रेक करेंगे H और N के बीच के बॉन्ड को, तो H पॉजिटिव होगा और NH2 नेगेटिव होगा। तो NH2 कहां जाएगा, Mg के साथ, क्योंकि Mg पॉजिटिव है तो NH2 फॉर्म कर लेगा और यहां आ जाएगा H, तो यह H हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, CH3 बॉन्ड CH3, क्या नाम है इसका, इथेन। तो स्टूडेंट होप आपको MCQ समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं।